हनीप्रीत की तलाश में चपे चपे छान मार रही पुलिस को भले ही उसका पता ना चल पा रहा हो, लेकिन एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स ने आखिरकार हनीप्रीत को खोज ही निकाला। बाबा राम रहीम के जेल जाने के बाद से ही हनीप्रीत गायब थी। हरियाणा पुलिस भारत के हर राज्य, हर शहर से लेकर नेपाल तक खाक छान आई, लेकिन हनीप्रीत का पता नहीं लगा सकी। खैर, अब हनीप्रीत खुद दुनिया के सामने आ गई हैं और अपने ऊपर लगे एक एक आरोप का जवाब उसने खुद दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि टीवी चैनल से बातचीत में हनीप्रीत ने क्या कुछ कहा। मैं देशद्रोही नहीं। अपने ऊपर लगे देशद्रोह के आरोप पर हनीप्रीत ने कहा, जिस हनीप्रीत को आपने दिखाया है वो हनीप्रीत ऐसी नहीं है। उसे ऐसे दिखाया गया है कि उससे मैं खुद डरने लगी हूँ। मैं अपनी मेंटल स्थिति बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे देशद्रोही कहा गया है, जो बिल्कुल गलत है। अपने पापा के साथ एक बेटी कोर्ट में जाती है, ऐसा बिना परमिशन के संभव नहीं है। दंगे में नहीं थी शामिल। साजिश रचने के आरोप पर हनीप्रीत ने ये जवाब दिया, एक लड़की इतनी फोर्स के बीच अकेले बिना परमिशन के कैसे जा सकती है। इसके बाद कहा गया कि मैं गलत आई हूँ, सारे सबूत दुनिया के सामने हैं। ऐसे में मैं कहाँ दंगे में शामिल थी, मेरे खिलाफ किसी के पास क्या सबूत है। राम रहीम के साथ बाप बेटी वाला रिश्ता। राम रहीम के साथ अवैध संबंधों पर हनीप्रीत ने जवाब देते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आता है कि बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को उछाला जा रहा है। मेरे मुख्य डर का कारण ही यही था कि हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया, एक बाप बेटी के रिश्ते को ऐसे तार तार कर दिया। क्या एक बाप अपनी बेटी के सिर के ऊपर हाथ नहीं रख सकता है? क्या एक बेटी अपने बाप से प्यार नहीं कर सकती है? डिप्रेशन में चली गयी थी। पुलिस के सामने पेश न होने की वजह बताते हुए हनीप्रीत ने रोते हुए कहा, आप मेरी कंडीशन समझिएगा, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जो लड़की अपने बाप के साथ देशभक्ति की बात करती थी वो जेल में चले गए। फिर उस लड़की पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। मुझे कानून की प्रक्रिया का पता ही नहीं था। पापा के जाने के बाद मैं तो बेसहारा हो गई। मुझे लोगों ने जैसे गाइड किया मैंने वैसा ही किया। मैं हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट जाऊंगी, पीछे नहीं हटी, लेकिन मेंटल स्थिति संभालने में थोड़ा टाइम लगता है। इंटरव्यू के दौरान हनीप्रीत ने अपने पूर्व पति द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप पर बोलने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हनीप्रीत ने कहा कि वो जल्द ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगी। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।